हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 300 क्वेश्चन की सीरीज ले रहा हूँ जो आईपीएस क्लर्क 2020 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर मैं सारे बेसिक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसिंग डीआई, उसके बाद कैशलेस डीआई भी कराने वाला हूँ। ठीक है, का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूँ जो आपको एग्जाम्स के अंदर काफी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आज वैसे मैंने आज दो टॉपिक लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दूसरा सिंप्लीफिकेशन का। दोनों का एग्जाम्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्स के अंदर 5 मार्क का वेटेज रखता है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। सिंप्लीफिकेशन का भी एग्जाम के अंदर वेटेज है 5 मार्क का। ठीक है, दोनों टॉपिक काफी स्कोरिंग टॉपिक है, बेसिक से बेसिक पढ़ा चुका आप लोगों को, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2x² - 9x + 10 = 0। दूसरा क्या है, 2y² - 13y + 20 = 0। देखो, एक माइनस साइन, दूसरी प्लस की साइन है, तो एक मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, माइनस और प्लस की साइन ऑपोजिट साइन क्या आती है इन लोग की, प्लस एंड प्लस की साइन आती है, प्लस एंड प्लस की टेन। ठीक है, अभी हम लोग को 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना मिलता है, 20 मिलता है। अभी हमें ऐसा अमाउंट चाहिए जिसका एडिशन करके 9 आता होगा, मल्टीप्लाई करके 20 आता होगा, तो प्लस 5 एंड प्लस 4, एंड इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 2.5 इसका आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, है कि नहीं, आया समझ में। अभी देखो, 20 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलता है, 40 मिलता है। माइनस प्लस का ऑपोजिट क्या होती है, प्लस एंड प्लस होता है कि नहीं, इतना समझा आप लोगों को। अभी ऐसे दो अमाउंट बताइए जिसका एडिशन करके हमें 13 आता हो, हम मल्टीप्लाई करके 40 आता हो, 8 एंड 5 है कि नहीं, 5 8 40 एंड 8 + 5 13। इनको दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 2 है, एज इट इज डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, इसका 2 4 8 एंड 2.5 है कि नहीं, दो अमाउंट मिल गए। अभी देखो, मैंने अगर 2.5 को 4 से कंपेयर करो तो 4 बड़ा है, 2.5 को 2.5 से कंपेयर करो तो इक्वल आता है कि नहीं, है कि नहीं, इतना समझा। फिर 2 को मैं अगर 4 से कंपेयर करूँ तो छोटा है, एंड 2 को मैं 2.5 से भी कंपेयर करूँ तो भी छोटा है, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, x इज स्मॉलर और इक्वल टू y, मतलब y इज ग्रेटर और इक्वल टू x। ठीक है, इसका आंसर क्या मिला हमें, y इज ग्रेटर और इक्वल टू x। ठीक है, आया समझ में, कैसे सॉल्व किया मैंने, एकदम इजी वे में सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x² + 15x + 27 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2y² + 7y + 6 = 0। दोनों साइन प्लस एंड प्लस की साइन है, तो ऑब्वियसली बात है, दोनों साइन हमें जो भी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा हमें माइनस एंड माइनस में, है कि नहीं। 27 2 7 2 14 एंड 54 आता है ना, विद दो अमाउंट बताइए जिसका एडिशन करके हमें आता होगा 15 और मल्टीप्लाई करके आता होगा 54। 7 6 7 9 6 9 6 9 ना 6 9 54 आता है, 6 9 54 और 6 + 9 15 आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 15 मिलता है कि नहीं। इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 2 5 10, यहाँ 4.5 मिलता है, यहाँ 3 मिलता है कि नहीं। अभी देखो, 6 2 12 -3 एंड -4, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1.5 आता है, यहाँ 2 आता है कि नहीं। अभी देखो, यहाँ माइनस माइनस कहने, या भी माइनस माइनस कहने, माइनस की अमाउंट जितनी छोटी रहेगी वो बड़ी रहती है एज कम्पेयर टू माइनस की बड़ी वैल्यू से। ठीक है, माइनस 1.5 को मैं -4.5 से कंपेयर करूँ तो -1.5 बढ़ा है, -1.5 को मैं अगर 3 से कंपेयर करूँ तो -1.5 बढ़ा है, -2 को मैं अगर -3 -4.5 से भी कंपेयर करूँ तो -2 बढ़ा है, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, x इज स्मॉलर देन y, मतलब y इज ग्रेटर देन x। सेकेंड ऑप्शन क्या मिला हमें, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, आज हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग समझिए कैसे किया है, अगर तब भी ना समझे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, कि ये डाउट है, ये डाउट नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 3x² - 13x + 12 = 0। दूसरा क्या है, 3y² - 13y + 14 = 0, है कि नहीं। देखो, माइनस और प्लस की साइन है, तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो हमें मिलेगा प्लस एंड प्लस के साइन में, यहाँ भी माइनस और प्लस के साइन, जो अमाउंट मिलेगा वो हमें मिलेगा प्लस एंड प्लस के साइन में। 12 3 36, ऐसे अमाउंट बताइए जिसका एडिशन करने से 13 आओ, मल्टीप्लाई करने से 36 आता हो, 9 4 3 14 3 42। दो अमाउंट बताइए जिसका एडिशन करके 13 आता हो, मल्टीप्लाई करके 42 आता हो, 6 एंड 7,
है कि नहीं। अब इन इसको 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड करो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1.33 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 2 6 एंड 3 3 आ जाएगा, 2.33। ठीक है, अभी देखो दोनों अमाउंट यहाँ पर भी जो भी है वो प्लस एंड प्लस के साइन में। प्लस 3 को मैं अगर प्लस 2 से कंपेयर करूँ तो बड़ा है, प्लस 3 को 2.3 से भी कंपेयर करूँ तो भी बड़ा है, पर अगर मैं 2 को प्लस 1.3 से कंपेयर करूँ तो 2 बड़ा है। जहाँ सिंगल डिजिट में भी ग्रेटर और स्मॉलर की साइन आ जाती है तो वहाँ पर आंसर आता है CND। वहाँ पर आंसर क्या आता है? CND। इसका आंसर क्या आ जाएगा? CND। CND का फुल फॉर्म क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, इसका जो अगर ऑप्शन पता है कैसे रहेगी, इसका ऑप्शन जो ऐसा रहेगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखता नहीं हूँ पर हम लोग को पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आए सब में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बहुत बार आप लोग करा चुका हूँ, बेसिक से बेसिक सारा पढ़ा चुका हूँ, प्लस साइनिंग मेथड प्रॉपरली पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं आप लोग कोई डाउट होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 5x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? 3y² प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस प्लस के साइन है तो ऑब्वियसली बस दोनों अमाउंट मिलेगी माइनस में, माइनस में यहाँ भी दोनों अमाउंट माइनस माइनस में मिलेगी। 5 3 15, 3 4 12, ऐसा अमाउंट बताइए जिसका एडिशन करने से 8 आता हो। तो 5 3 एज इट इज 5 3, 5 3 8, 5 3 15। यहाँ पर भी एडिशन करके 7 एंड मल्टीप्लाई करके 12, 3 4, 3 4 12 एंड 3 4 7। ठीक है, अब इनको डिवाइड बाई 5 करिए, यहाँ इनको डिवाइड बाई 3 करिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0.60 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1.33, है नहीं। अभी देखो -1 को मैं अगर -1 से कंपेयर करूँ तो इक्वल आता है, -1 को मैं -1.3 से करूँ तो -1 बड़ा आता है, 0.6 को मैं अगर कंपेयर करूँ -1 से तो 0.6 बड़ा आता है, 0.6 को मैं अगर -1.3 से कंपेयर करूँ तो 0.6 ही बड़ा आता है। तो इसका आंसर क्या मिल गया? x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। इसका आंसर क्या मिल गया? x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। आया समझ में? कैसे सॉल्व किया? एकदम ईजी वे में समझा आपको कैसे सॉल्व करते, बेसिक से बेसिक पढ़ाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12x प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? 6y² प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 12 × 1 = 12। दो अमाउंट बताइए जिसका एडिशन 7 आता है, मल्टीप्लाई 4 12 आता है। ठीक है, 3 4 है कि नहीं, इन दोनों को 12 से डिवाइड कर दो। 12 2 = 24 एंड 12 5 = 60 है कि 0.25। यहाँ पर कितना आएगा? 12 3 = 36 एंड 12 3 = 36, तो 0.33 चलेगा यहाँ पर। 6 1 = 6, तो ऐसा अमाउंट बताइए जिसका एडिशन करके, यहाँ पर दोनों अमाउंट जो है माइनस माइनस में आएगी क्योंकि प्लस एंड प्लस के साइन है। ठीक है, यहाँ भी दोनों अमाउंट माइनस माइनस में आएगी, इतना तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, 6 1 = 6, दो अमाउंट बताइए तो 3 2 = 6, 3 + 2 = 5, 3 2 = 6, -3 या -2 दोनों को 6 से डिवाइड कर दिए। 0.56 = 30, 6 3 = 18, 6 3 = 18, यहाँ 0.33 आता। ठीक है, देखिए अगर मैं 0.25 को 0.5 से भी कंपेयर करूँ तो 0.25 बड़ा आता है, 0.25 को मैं 0.33 से कंपेयर करूँ तो भी 0.25 बड़ा आता है, 0.33 को मैं अगर 0.5 से कंपेयर करूँ 0.33 बड़ा है, 0.33 को मैं 0.33 से कंपेयर तो इक्वल आता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। इसका आंसर क्या आ गया? x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। था कि नहीं काफ़ी इजी, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। मैंने काफ़ी बेसिक से बेसिक पढ़ा चुका हूँ, वी बोर्ड मास का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं वो बता चुका हूँ। ठीक है, अभी देखिए 40% ऑफ 265 है, 40% ऑफ 265, तो 40 × 265 एंड डिवाइड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू था, प्लस 35 × 18 एंड डिवाइड बाई कितना? 100 इज इक्वल टू 50% ऑफ वॉट। ठीक है ना, तो देखो 10 ये कटोगे, 10 यहाँ कटोगे, 10 यहाँ पर कटोगे, 10 यहाँ कटोगे। ठीक है, 265 × 4 कर सकते हो ना, इजी है, 5 4 = 20, 2 कैरी, 6 6 4 = 24 प्लस 2 26, 2 कैरी, 4 2 = 8 प्लस 2 10, तो 1060, तो यहाँ 10 से डिवाइड करना था, 106 आता है इसका, है कि नहीं।
ऐसा कितना मिला 106। 35 को 18 से मल्टीप्लाई करना, अगर देखो जिसको मल्टीप्लाई करने तकलीफ होती हो तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 18 को दो पार्ट में डिवाइड करो, 10 और 8, 8 में 35 × 10 350 है कि नहीं, और फिर 35 × 8 5 8 40, 4 8 24 28 है कि नहीं, 280 ऐड कर दो तो कितना मिलता है 630 है कि नहीं, 630 मिलता है ना, 630 को डिवाइड बाय 10 कर दो 63 आता है, दोनों को एडिशन कर दो तो कितना मिलता है 6 + 3 9, 6 as it is 169 मिलता है ना, 169 ऑब्वियसली बात है 169 मिलेगा, ठीक है। अभी इन सबका मिला क्या मिला, 169 मिला, ठीक है। 169 इज इक्वल टू 50% ऑफ एक्स डिवाइड बाई 100, अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 169 × 100 तो 169 00 डिवाइड बाई 50, एक जीरो यहाँ कट हो गया, 5 3 15, 5 3 15, 5 8 40, तो 338 इसका आंसर आ गया, पहले का आंसर कितना मिला 338। क्रॉस चेक करते 5 3 15 19 बचा, 5 3 15 40 बचा, 5 8 40 तो 338 आया, ठीक है। कैसे किया मैंने, 265 को 4 से मल्टीप्लाई किया जो अमाउंट मिला, उसके बाद 35 × 18 किया, 18 को दो पार्ट में डिवाइड किया 10 और 8 में, ठीक है 280 मिला, दोनों का एडिशन किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों का एडिशन मिला 169 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 169 × 100 डिवाइड बाई 50, तो 169 00 डिवाइड 50 तो एक जीरो यहाँ कट हो गया, 1690 को 5 से डिवाइड किया तो 338 आया, ठीक है एकदम ईजी वे में समझाया आपको मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, 460 × 5 - 5 × 20, अभी देखो ओरली कर सकते हो ना, 460 × 5 कितना होगा, एक तो 5 0 = 0 आ जाएगा, 5 6 = 30 0 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 5 4 = 20 + 3 तो इसका कितना मिला, इतना अमाउंट कितना मिला 2 3 00 माइनस 5 2 = 5 × 20 तो कितना मिलता है 100 मिलता है ना, अभी इसका आंसर क्या मिलेगा 20 × 100, क्योंकि 2 3 00 माइनस 100 करो तो 2 2 20 × 100 मिलता है, ठीक है इसका आंसर क्या मिला 20 × 100। था कि नहीं काफ़ी इजी, मैंने विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एक अंदर क्वेश्चन 5 में से ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा जो काफ़ी इजी रहेगा आपका एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। मैंने क्या 460 × 5 किया, 5 × 20 किया, दोनों का अमाउंट जो मिला दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया, ठीक है। वी बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद माइनस करते हैं, ठीक है। वी बोर्ड मास फॉर्मूला भूलिए मत क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी ओरली हो सकता है आप लोग से, 6 × 200 - 4 500, 12 - 5 = 7, 5 - 1 तो 1700, 1700 - 1200 कितने मिलता है 1500। और ये कैलकुलेशन होता है ना विदाउट पेन पेपर भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन वैल्यू में 4 1/5 × 3 1/3 प्लस क्वेश्चन मार्क 20% ऑफ 120, ठीक है ना, डिवाइड बाय 100 परसेंटेज वैल्यू तो मैं डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 ले लिया, ठीक है। एक जोर यहाँ कट हो गया, एक जोर यहाँ कट हो गया, 12 × 2 = 24 है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क 5 4 = 20 + 1 = 21 5 21 by 21 by 5 × 3 3 = 9 + 1 = 10 10 / 3 है कि नहीं, 3 7 = 21 5 2 = 10 7 2 = 14 14 + x = 24 है कि नहीं, समझा इतना आप लोग को। अभी देखो 20 x = 24 - 14 तो कितना मिला 10, तो इसका आंसर क्या मिल गया 10, इसका आंसर क्या मिला आप लोग को 10 मिला, ठीक है। आया समझ में, कैसे सॉल्व किया मैंने फ्रैक्शन वैल्यू को, मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे को मिला 21 / 5 × 10 / 3 3 को मैं 21 कट किया 7 मिला, 5 को 2 10 से कट किया 2 मिला, 7 2 = 14 + x = 24 प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होती है माइनस, तो मैंने यहाँ पर माइनस किया 24 / 14 माइनस किया तो 10 मिला, ठीक है। था कि नहीं काफ़ी ईजी, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, फ्रैक्शन वैल्यू की पॉइंट की है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4848 डिवाइड बाई कितना है 24 × 11 - 222 = x, मतलब इन शॉर्ट देखो 24 × 2 = 48 02 तो 202 आता है यहाँ पर × 11 - 222 = ? देखो जिसको मल्टीप्लाई में तकलीफ हो 11 को दो पार्ट में डिवाइड करो 10 और 1 में, ठीक है 202 × 10 2020 20 × 1 202 कितना मिलता है 4/2 - 222 तो कितना मिला आंसर हमें 22000, इसका आंसर क्या मिल गया 2000। था कि नहीं काफ़ी इजी,
24 को 484 से डिवाइड किया 202 आया, इंटू 11 था, 11 को दो पार्ट में डिवाइड किया 10 और 1 में, 202 इंटू 10 किया 2020 एंड 202 इंटू 1 किया 202, दोनों का एडिशन किया 42 मिला, 42 को 32 से माइनस किया 2000 मिला। था कि नहीं काफ़ी इजी? ऐसा क्वेश्चन मेरे को एग्जाम्स के अंदर देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। एग्जाम काफ़ी पास आ रही है, एटलीस्ट 1 डेली मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और अभी SBI अप्रेंटिस की भी जगह आ चुकी है, वो भी एक फॉर्म चेक कर लीजिए। माना कि अप्रेंटिस पे अपन एटलीस्ट 3 साल के लिए आप लोग को एज अ रोजगार जॉब मिलेगा, ठीक है। देखिए देखिए पेपर निकला तो बात की बात है, पर पेपर तो देखिए देखिए कैसा मिलता है आप लोगों को, स्कोर क्या आता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने प्रॉपरली आपको दोनों टॉपिक कवर करा चुका हूँ, एकदम इजी वे में करा चुका हूँ, बेसिक से बेसिक पढ़ा दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि देखो मैं जो चार टॉपिक करा रहा हूँ ना वो 20 मार्क्स के लिए, उसमें से 1 मार्क भी आपका कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 20 मार्क्स प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद आप लोग कितना स्कोर करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, मिसलेनियस कितना सॉल्व करते हो, डाटा DI कितना सॉल्व करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे लगता है आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।